हेलो गाइस, श्वेता का बर्थडे 9th ऑफ सितंबर आ रहा है। अभी बजे है एग्जैक्ट 11:35। मेरे पास 25 मिनट है इस रूम का थोड़ा सा नक्शा चेंज करने के लिए। मैंने कुछ प्लान किया है, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें। तो आई जस्ट सेट अप द रूम एंड आई लीव दिस वीडियो ओपन, तो आप देख सकते हो क्या चल रहा है। ठीक है, ये सैटिन जब उसकी एंट्री होगी तब मैं आई विल आस्क टू वेयर दिस। वो ब्लाइंड फोल्ड करके मैं ये करूँगा। एंड देन देयर इज द स्मॉल क्राउन, उसको बहुत ऐसे ब्लिंग चीज़ें पसंद है, तो आई गॉट दिस फॉर हर। अलार्म लगा देता हूँ यार, पता चल बर्थडे चला गया। मैं डेकोरेशन कर रहा हूँ। अब इमेजिन करो गाइस, अगर मैं स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ आज। ये वाला बच्चा है, ये वाला बच्चा है। बारह बज जाते तो विश तो कर देता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव हर अ गुड बर्थडे। तो 5 मिनट आगे पीछे आइडियली होना तो नहीं चाहिए, बट डेस्परेट टाइम्स एंड डेस्परेट मेजर्स। This is the greeting card I made. Gift number 458 कर दिया। थोड़े बलून्स कम हो गए, बट 2 मिनट अपन केक लेके आते हैं। ठीक है, वैसे केक बहुत सुपर है आज। टाइम टाइम टाइम, अभी उसको ब्लाइंड फोल्ड करते हैं, अंदर लेके आते हैं। होल्ड ऑन, अभी आपका ये गाइस ये देखो। ऐसे ही ऐसे ऐसे नहीं चालू है, ऐसे रुको, हिलना नहीं, बिल्कुल चालू नहीं है वीडियो। हाँ नहीं चालू है वीडियो, वैसे ही रुको, तो चालू करो। हिलना नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रहना, बिल्कुल हिलना नहीं, बिल्कुल हिलना। ओह माय गॉड, हिलना हिलना नहीं, हिलना नहीं, हिलेगा नहीं। आप ये क्यों ऐसे कर रहे हो? मैं फनी दिख रही हूँ? नहीं नहीं, मैं सामने हूँ गाइस। अभी मैं इसका ब्लाइंडफोल्ड निकालने वाला हूँ एंड फिर उसको टर्न अराउंड करने बोलेंगे। आई थिंक मैं रुको, मैं हाथ में ही ले लेता हूँ, रुको। आप ऐसे खड़े हो जाओ, होल्ड ऑन। क्या है ये? हाँ अभी आप ब्लाइंड फोल्ड हटा सकते हो और चश्मा पहनो। हटाने वक्त ऐसे मत निकालना, हाँ वो पीछे से खोलो वो। ठीक है। हैप्पी बर्थडे। इतनी सारी माला, ये क्या है? इतनी सारी प्रिंसेस देखो।
छोटा बाबू छोटा प्रिंसेस माय गॉड थैंक यू बाबू हैप्पी बर्थडे थैंक यू रुको आके छोड़ दो ठीक है अभी मैं 2 मिनट सांस लेके हाथ धो लेता हूँ फिर अपन सब अपने प्रोग्राम करेंगे केक कटिंग Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Babu. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday. To you. इतनी अच्छी हैंडराइटिंग है ये नहीं ये काफी आधे घंटे की हैंडराइटिंग है गाइज तो ये ना छुप छुप के बना रहे थे एंड ये बहुत मेहनत ली होगी इस कार्ड ने विद ऑल द डिजाइन एंड एवरीथिंग एंड हैंड राइटिंग ओ माय गॉड थैंक यू सो सो मच अब ये 2 गिफ्ट है ये श्वेता को मतलब मैंने काफी टाइम से देखता था इसके पास इतने सारे आउटफिट्स है बट इसके पास जंपसूट मैंने नहीं देखा एटलीस्ट होगा तो मैंने सोचा इस बार जंपसूट देता है हाँ चिराग मुझे हमेशा बोलता था जंपसूट है क्या तो मैं ना इतनी ज्यादा फॉन्ट नहीं थी लेकिन अब सिंस द टाइम आई हैव गेन्ड सम वेट मुझे लगता है कि मैं पुल ऑफ कर सकती हूँ थैंक यू मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा एंड मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत की है यू नो शादी के बाद पहला बर्थडे का प्रेशर भी होगा आई एम श्योर फर्स्ट बर्थडे है कहाँ रखूँ मैं इसको सो यस एंड ये अभी मैं कैसे बन के बैठी हूँ आपको बताना चाहिए था कि इतना कुछ करने वाली हूँ मैं थोड़ा तैयार होके बैठती बट हाँ कल कल तैयार होंगी मैं एंड थैंक यू सो मच फिर मैं पूरा ढूंढा फिर वो एक के पीछे एक चिपका हुआ था हाँ थैंक यू ये देखो एकदम थक हार के बैठ गया है बट दिस मीन सो मच टू मी सो 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 मच हाई एवरी वन एंड वेरी हैप्पी बर्थडे टू मी सो आज 9 सितंबर है आपने इसके पहले भी क्लिप्स देख लिए होंगे 8 सितंबर रात को 12 बजे के एंड उसके बाद ये 9 सितंबर है एक्चुअल बर्थडे एंड अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मा के पास हम लोग एज इन मैं और चिराग मम्मा के पास जा रहे हैं सो आज गणेश विसर्जन है एंड मतलब हम लोगों को लगा सब कुछ बंद होगा वी आर एक्सपेक्टिंग एंड ऐसा कुछ ऐसा प्लान भी नहीं किया था क्योंकि दोनों का ही ऑफिस था छुट्टी नहीं है बाय द वे आज एंड इम्पॉर्टेंट कॉल्स भी है चिराग को शाम को लेने के लिए जस्ट एडल्ट लाइफ बर्थडेज हो रहे हैं यहाँ पे एंड तो हम लोग ने सोचा कि चलो मम्मी के पास जाते हैं वहाँ पे यश भी होगा यश को छुट्टी है विसर्जन की सो वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे मिलेंगे फैमिली से एंड देन टुमारो बैक टू होम सो अभी जस्ट निकले हुए हैं एंड टाइम इतनी जल्दी जा रहा है ना इट्स ऑलरेडी 5:30 और को अपन ने प्लान किया तो निकलते हैं चलो 3:30 बजे हम लोग का प्लान हुआ कि निकलना है और फटाफट से सब काम वगैरह समेटा घर का एंड देन अब निकल रहे और सो मुझे मॉल भी जाना था क्यों जाना था मुझे मेरे पास बर्थडे ड्रेस नहीं है इतने सारे ड्रेसेस हैं बट वो आप सबने देख लिया तो मेरे पास ना बर्थडे ड्रेस नहीं है मतलब मैंने अपने लिए शॉपिंग भी नहीं की थी क्योंकि चिराग ने की थी मेरे लिए शॉपिंग एंड ऑनेस्टली एक मिनट मंदिर है ऑनेस्टली मुझे लगा था कि मैं वही पहनूंगी और चिराग मेरे को गिफ्ट करेंगे
बट मैं मोटी हो गई हूँ, मेरे को फिट नहीं आई ड्रेस, टाइट हो गई, तो अब वो एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, तो वो तो बाद में आएगी. नाउ लेट्स सी, जिस हिसाब से हम निकले हैं अभी शाम को, पता नहीं कब पहुँचने वाले हैं और टाइम से पहुँचेंगे, ड्रेस लेंगे नहीं लेंगे, या फिर ये जो पहन के बैठी हूँ उसमें ही हो जाएगा सब कुछ, नो क्लू. बट ठीक है, मोर देन द ड्रेस, किन लोगों के साथ स्पेंड कर रही हूँ, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. बाकी गेट रेडी विथ मी, मैं बाकी चीज़ों का बना लूँगी. सो वी आर ऑन अ वे, इट्स अ गुड वेदर. अभी तक तो बारिश नहीं हो रही है, आई एम एक्सपेक्टिंग बारिश ना हो बिकॉज इट इरिटेट्स मी अलॉट. नाउ लेट्स गेट होम फर्स्ट एंड कंटिन्यू दिस वीडियो. हाई एवरीवन, सो आई एम ऑल रेडी फॉर माई बर्थडे. एक्चुअली मैं मॉम के घर पर आई थी एंड मैंने जो ड्रेस पहना था, मेरा पूरा मूड था मैं वही पहन लेती हूँ, बट देन मम्मा वॉज लाइक कि नहीं ये वाला ड्रेस पहनो, एंड तो मैंने ये वाला ड्रेस पहन लिया. अब हम बाहर जा रहे हैं अभी तो, यर इज यश, काफ़ी टाइम बाद देखती हूँ ना, खुशी हो रही है मुझे देख के. सो बस अभी बाहर जाएंगे. वो मेरे लिए एकदम प्रेटी सा केक भी लेकर आया है, मैं आपको दिखाती हूँ. यर इज द केक, इट्स सो नाइस ना. यू ऑल कैन विश हैप्पी बर्थडे टू श्वेता. बहुत सारे विशेज आ गए मुझे. थैंक यू सो मच गाइज, यू हैव बीन यू नो ऐसे शावरिंग मी विद ऑल द लव एंड एवरीथिंग. एंड जरा आप कोने में खड़े हो गए, एंड यू नो कोइंसिडेंटली हम सब ग्रीन पहने हैं आज, एंड ऑड वन आउट हियर इज वेयरिंग पिंक विद हिज सिग्नेचर स्टेप. वापस से आपको ऑफिस से कॉल आया. चलो अपना आउटफिट ऑफ द नाइट दिखा देते हैं. सो दिस इज़ द आउटफिट ऑफ द नाइट. ये ड्रेस पहनी हुई है मैंने, एंड देन ब्लैक कलर के हील्स, एंड जस्ट एक्सेसराइज कम किया है, वॉच, मंगलसूत्र, द परमानेंट एक्सेसरी, एंड थोड़े से ऐसे छोटे छोटे से हुप्स पहन लिए. ठीक है, आई जस्ट होप कि बाल साथ दे जाए, बाल बेहद ही ख़राब हो जाते हैं कहीं पर भी जाओ. लेट्स गो. बेचारे केक की फोटो नहीं ली. So guys, this is the second cake and it's really good. अच्छा है ना? हाँ, मैं खा रहा हूँ अभी. हाँ, चिराग में बिजी हूँ मैं. चिराग का पूरा फोकस, यश का पूरा फोकस केक पे रहेगा. मैं आके वीडियो बंद करती हूँ. So guys, we're finally at the venue. हम लोग प्रेम्स करके एक जगह है, वहाँ पर आए हैं. I'm going to show you अंदर से कैसे है. Wait. This is a pretty place. Mama जा रही है आगे. Yashu and Chirag are already inside. मैं photo session में busy हो गई. Going in now. मैंने कुछ insta पे देखा था, कुछ trick बता रहे थे. वी आर डन विद द डिनर एंड अब हम घर जा रहे हैं. एंड अगेन हमको रियलाइजेशन हुई है कि घर का खाना बेस्ट है. हाँ, मतलब बाहर का खाना अब एक्सपीरियंस के लिए आते हो ठीक है, बट जो फूड का सैटिस्फैक्शन होता है ना, उससे ये हर बार हो रहा है. या तो एवरी टाइम हो रहा है, या तो हम बहुत एडल्ट हो गए हैं. नहीं कि हम लोग वी आर रैपिंग अप इन 3 digits, ऐसे नहीं, हम लोग अच्छे से स्पेंड कर के भी वी आर नेवर सैटिस्फाइड. नेवर. बीवी के हाथ का खाना ज्यादा अच्छा लगता है हस्बैंड को. फोटो ले लो. चलो अब ना मुझे एक फोटो क्लिक करना है, तो मैं फोटो क्लिक कर दूंगी. सो गाइस, वी आर बैक होम. हम घर ही जा रहे हैं ना, घर जा रहे हैं ना मम्मा. हाँ, तो अब हम लोग घर जा रहे हैं. खाना हो गया है, पता नहीं ज्यादा भूख नहीं लग रही थी, बट जितना हो गया हो गया. एंड खाना वाज ओके, इट वाज नॉट वेरी ग्रेट. तुम लोग को अच्छा लगा? फैक्ट ऑफ लाइफ है, बाहर का खाना अभी ऐसा ही होता है. या तो हम बूढ़े हो गए, जो भी. आई थिंक अब ओनली थिंग आउटसाइड आई लाइक इज डोमिनोज का वो गार्लिक ब्रेड एंड मैकडी का मिक्स स्पाइसी. एक्चुअली वो वही खाने में अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे वो गर्म मिलता है, जब पे घर आता है तो ठंडा हो जाता है. बट नेवरदरेस इट वाज अ ग्रेट बर्थडे. आई एम गोना गो एंड आई कैन नॉट वेट टू चेंज इट टू माय कंफर्टेबल क्लोथ्स नाउ. एंड बस हो गया हमारा बर्थडे व्लॉग, है ना, इतना ही था. बाय.